पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। इस वक्त हम मौजूद हैं हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग कार्यालय के पास। यहां पर आज कुछ युवक इकट्ठे हैं, इनसे बातचीत करेंगे। इनका मुद्दा क्या है, लेकिन जो प्रारंभिक जानकारी है उसके मुताबिक 18 विभिन्न जो पदों के अगेंस्ट वैकेंसियाँ निकली थी 2020 में, और 2022 चल रहा है, और यानी 2 साल हो चुके हैं, उनमें भर्तियों के मामले में अभी तक कोई परिणाम घोषित नहीं किए गए हैं। बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम है दीपक कुमार जी। दीपक, क्या मामला है, क्यों आप आज यहाँ इकट्ठे हैं? सर, HSSC के द्वारा 2020 फरवरी में ये भर्ती निकाली गई थी, एडवर्टाइजमेंट 1/2020, जिसमें लगभग 388 पद हैं और 24 कैटेगरी है। तो क्या हुआ, अगस्त 2021 में इन्होंने पेपर लिया था, और उसके बाद दिसंबर 2021 में हमारी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो चुकी है। उसके बावजूद हम HSSC में कई बार आए, हमें डेट पे डेट मिली, तारीख पे तारीख मिली, उसके बाद भी हमारा कोई रिजल्ट नहीं निकला। बार बार आते हैं चेयरमैन साहब के पास, ये बोलते हैं भाई जल्दी आएगा, पर उसके बाद भी कोई हमारी सुनवाई नहीं हुई। सर, अभी भी हम काफ़ी बच्चे बटले होकर इकट्ठे होकर आए हैं, भाई हमारा सर रिजल्ट दे दो, कोई अदर इशू नहीं है, कोई कोर्ट केस नहीं है, कुछ भी वजह नहीं है। आप डेट पे डेट देते हो पर इसका कोई रिजल्ट नहीं आप निकाल रहे हो। हमसे बाद बहुत ही कैटेगरियों के एग्जाम हुए, बट उनका जैसे ALM हो गया, हरियाणा पुलिस हो गया, हमारा पेपर भी हो चुका था, उसके बाद इन्होंने पेपर भी लिया और उनके रिजल्ट भी डाल दिया, इन्होंने ज्वाइनिंग भी दे दिया। हम जो उनसे पहले क्या हमारी कोई इन्होंने रिजल्ट नहीं निकाला, 6 कैटेगरियों का रिजल्ट निकाला था एक बार इन्होंने बीच में, हमें भी उम्मीद हुई थी भाई अब जल्दी रिजल्ट निकल जाएंगे, बस उसके बाद इन्होंने 6 रिजल्ट निकाल के, किसी में एक पोस्ट थी, किसी में 2 थी, ऐसे कुल 10 पोस्टों के रिजल्ट इन्होंने निकाले हैं, उसके बाद दोबारा रिजल्ट नहीं निकाले। सर, कितनी पोस्टें थी कुल और कितने परीक्षार्थी थे जब परीक्षाएं ली गई? सर, 388 पोस्टें हैं। अब वैसे तो एडवर्टीजमेंट में इन्होंने 1137 पोस्टें निकाली थी जिसमें 42 कैटेगरी थी, तो इन्होंने क्या किया 749 पोस्टें कैंसिल कर दी थी जिसमें 18 कैटेगरी थी, भाई हम ये CET के माध्यम से लेंगे, तो उसके बाद बची की थी 24 कैटेगरी में इन्होंने 6 कैटेगरी का रिजल्ट निकाल दिया था, 18 कैटेगरी पेंडिंग है जिसका रिजल्ट इन्होंने कुछ नहीं बताते अभी कब निकालेंगे, कब तक नहीं निकालेंगे। हम कितने बच्चों ने तब पार्टिसिपेट किया था इसमें? लगभग 388 पोस्ट थी सर, और 388 बच्चे थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था, एग्जाम दिया था, और इसमें इन्होंने बाद में इन्होंने रिजल्ट निकाला उनका 3-3 गुना, किसी का 4 गुना, हर पोस्ट के लगभग अब 1000 बच्चे प्लस हैं जो अपने रिजल्ट की वेट कर रहे हैं। मेरा पूछने का सीधा मकसद ये है कि जैसे मान लो कि 100 पोस्टें, 100 के अगेंस्ट बच्चे, तो 5-4 हज़ार बच्चों ने पार्टिसिपेट किया होगा। हाँ जी, 950 जी। आपका क्या नाम है, आप क्या कहना चाहते हैं? पवन कुमार नाम है सर। कहाँ से आप? सोनीपत से सर। क्या कहना चाहते हैं? सर, हमारी भर्ती 3 साल सेट की हुई है सर, ये 1/2020, और हम 2 साल से रिटर्न दे के बैठे हैं सर, और इसका रिजल्ट फाइनल रिजल्ट ही रुका हुआ है, सब वेरिफिकेशन हो चुकी है सर पिछले 11 महीने से, और इसका कोई फाइनल परिणाम अभी तक जारी नहीं किया। हम कई बार मिल चुके हैं सर से, चेयरमैन साहब से सर, और हर बार डेट पे डेट देते हैं सर, 18 कैटेगरी। आपका क्या नाम है? संदीप कुमार सर। संदीप जी, चेयरमैन साहब से आप लोग मिलते रहे जैसे आपके साथी बता रहे हैं, कि क्या बातचीत हुई? सर, हमारी 13 जून को हम आए थे लास्ट टाइम, तो हम उनसे बातचीत हुई थी, वो बोले कि आपका रिजल्ट 15 जुलाई या 16 जुलाई तक आ जाएगा, अभी हम कोर्ट क्लर्क के उसमें फंसे हुए हैं, उसके बाद हम रिजल्ट दे देंगे। फिर उसके बाद हम एक बार दोबारा आए सर अगस्त मंथ में, तो उन्होंने बोला कि आ जाएंगे आपके, बहुत जल्दी रिजल्ट आएंगे, तो उसके बाद फिर हम आज आए हैं। अब आज चेयरमैन साहब से मिलते हैं, देखते हैं वो क्या कहते हैं। तो क्या आपका मामला कहीं कोर्ट में पेंडिंग तो नहीं? कोई नहीं सर, ना हमारे कोई कोर्ट में पेंडिंग है, ना कोई केस है, और ना ही कोई विवाद है। धन्यवाद। तो देखिए, ये युवक हरियाणा के अलग अलग जिलों से, अलग अलग कोनों से आए हुए हैं, इनका कहना है कि ये लोग लगातार चेयरमैन साहब के संपर्क में हैं, उनसे मिलते रहते हैं, लेकिन अभी तक इनको नियुक्ति पत्र नहीं मिले हैं। आज भी ये इसी उम्मीद पर आए हैं कि चेयरमैन साहब से ये मिलेंगे। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी TV, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।